खरगोन जिले की कसरावत जनपद के ग्राम हतोला में मनरेगा योजना में मजदूरी करने के 2 माह बाद भी मेहनताना नहीं मिलने से मजदूरों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मामले में हस्तक्षेप कर उनकी मजदूरी दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना में ग्राम में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जहां पात्र अपनी मेहनताना पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मस्टर पर ऐसे लोगों को मजदूरी पर दर्शाया जा रहा जो कभी मजदूरी पर नहीं गए, उनके नाम से राशि भी आहरित हो रही। ग्रामीणों ने पंचायत के कामों की जाँच की मांग की है और मजदूरी दिलाए जाने की गुहार लगाई है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हम ग्राम पंचायत मलतार के ग्राम हतोला के ये सब मजदूर लोग हैं। हमने आज से करीब 4-5 माह पूर्व मनरेगा के तहत तलाई मार्ग में काम किया था। 1.5 से 2 महीने के समथिंग काम किया है हमने, जिसकी राशि अभी तक पूर्ण रूप से हमको नहीं प्राप्त हुई है। और सरपंच और सचिव के द्वारा और मेड के द्वारा जो लोग काम करने नहीं गए हैं, काम करने क्या जिनको अभी तक कार्यस्थल का पता ही नहीं है, उन लोगों के खाते में भी 90-90 दिन की मजदूरी डलवा दी गई है। और ऐसे व्यक्ति के अकाउंट में भी पेमेंट डलवा दिया है जो डिलीवरी के दौरान, जिसको डिलीवरी हो रही थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, उधर उसके मनरेगा के तहत उसकी अटेंडेंस हाजिरी चल रही है। तो इन्होंने बहुत ही भ्रष्टाचारी करी है। जो लोग पात्र थे, जो लोग जिन्होंने मेहनत करी है, उन लोगों को अभी तक पूर्ण रूप से पेमेंट नहीं मिला है। सचिव से हमने बात की, सचिव को हमने कई बार बोला है, सभी मजदूर साथ में खड़े हैं, सभी ने बोला है। और उनका कहना ये पड़ता है कि आप लोग हर एक खाते का स्टेटमेंट निकाल के लाओ, जबकि ये मजदूर, अनपढ़ मजदूर लोग, इनको स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं है कि स्टेटमेंट क्या होता है। जब बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि 500 रुपये जमा करवाओ, उसके बाद में स्टेटमेंट मिलेगा। अब 500 रुपये कहाँ से लाए? और वो वहाँ तक भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके अकाउंट का स्टेटमेंट भी निकाल के लाओ। अब ये 500-500 रुपये इनके कम से कम 2-2, 3-3 अकाउंट है। कुछ जैसे सेवा सहकारी का अकाउंट रहता है, जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो मिलती है किसानों को, वो पेमेंट भी बता रहे हैं कि ये भी हमने डलवाया है। बच्चों की छात्रवृत्ति अगर डली है वो भी बोल रहे हैं कि बोलिए ये भी हमने डलवाया है। पेंशन मिलता है, विधवा पेंशन या जो भी पेंशन उनको मिलता है, वो भी बोले हमने डलवाया है। और हर एक अकाउंट का स्टेटमेंट मांग रहे हैं वो, ये कहाँ से लाएंगे? पेमेंट आया कि नहीं आया? पेमेंट थोड़ा आया है, मतलब 3 लोग अगर जा रहे हैं तो 1 व्यक्ति का पेमेंट आया है समथिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।